खबर है रायबरेली से। संगल आज से देश में लागू तीनों नए कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जनपद के सभी थानों में की गई बैठक। आज से देश में तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। तीनों नए कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल निर्देश पर जनपद के सभी 19 थानों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सभी थानों को गुब्बारों से सजाकर बैठक बुलाई गई, जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं, समाज के प्रबुद्ध वर्गों सहित आम लोगों को भी आज से देश में लागू तीनों ने कानूनों के बारे में जानकारी दी। इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर राम सुमेर की रिपोर्ट। सर, आज से नए कानून लागू हो गए, भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी थी, इसके लिए किस तरह की तैयारी है और लोगों को किस तरह जागरूक किया जा रहा है? आज तीन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, वो लागू किए गए हैं। रायबरेली में इसकी पूर्ण तैयारी है वो कर ली गई है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सभी थानों में सभी हितधारकों से, जो व्यापारी वर्ग हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, मीडिया के लोग हैं, आम जनमानस को लगातार ही पोस्टर के माध्यम से बैनर बंटवाए जा रहे हैं और उनको लगातार ही जागरूक किया जा रहा है। इस नए कानून में जितने भी संगठित अपराध हैं, बाल संबंधी अपराध हैं, महिला संबंधी अपराध हैं, उसमें ठोस सजा का प्रावधान है, ताकि जो अपराधी हैं उनके मन में एक डर की भावना हो और वो भविष्य में अपराध करने से बचें। वहीं पुलिस की कुछ अधिकार हैं वो बढ़ाए गए हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखा गया है जहां एक और अधिकार को बढ़ाया गया है तो उनको सही दावितों का निर्वहन सही अकाउंटेबिलिटी के साथ करनी है, सर्च में, सीजर में वीडियोग्राफी करनी है, अनिवार्य रूप से करनी है, ताकि एक अच्छी कानून व्यवस्था है वह स्थापित हो सके।